दिन चल रहा था हमारा बिल्कुल नॉर्मल सा, बहुत सारे टॉयज फैले हुए थे तो उसको समेटा, उसके बाद मैंने इन लोग को पढ़ने लिखने के लिए बिठाया, और उसके बाद जब पढ़ाई हो गई तो फिर वहाँ की सफाई करके मैंने इनको ड्रेसअप करवा दिया। लेकिन उसके बाद एक सबसे मुश्किल काम आता है, ये बस सोचना कि आज क्या खाना बनेगा। लेकिन उसके बाद मुझे ये फरमाइश आई, यू वॉन्ट स्पैगेटी एंड केचप मिक्स, यू वॉन्ट टू इट स्पैगेटी एंड यू, ओके आई एम मेकिंग इट फॉर माई किड्स। तो अब फरमाइश आ गई है, और इतनी हायर अथॉरिटी से फरमाइश आई थी तो उसको पूरा करना तो आपको पता है बनता है। तो फिर मैं गई किचन में और मैं देखने लगी कि मेरे पास सारे सामान हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं स्पैगेटी बनाने के, बट मुझे पता चला स्पैगेटी नहीं है, मेरे पास पास्ता का पैकेट है। तो अब स्पैगेटी नहीं, अब पास्ता बनेगा। उसके बाद मैं और इंग्रेडिएंट्स देखने लग गई कि किस तरह का पास्ता बन सकता है। सो दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आई हैव गॉट। उसके बाद मुझे पता चला मेरे पास चिकन नहीं है, बट आई हैव गॉट दी सीफ कबाब। और मैंने फिर इसको सोचा कि मैं इससे ही आज स्पैगेटी बनाती हूँ, आई मीन पास्ता बनाती हूँ, लेट्स सी कैसा बनता है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द प्रेपरेशन। और मैंने ये पानी रख लिया है इसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि अब इसमें हम पास्ता डाल के इसको बॉयल करेंगे ऑफ कोर्स। सो लेट्स कट द पास्ता पैकेट और पास्ता निकाल लेते हैं। पास्ता कट कर लिया है, पानी जब तक थोड़ा बॉयल हो जाता है फिर पास्ता डालेंगे, एंड लेट्स कीप द सेकंड पैकेट फॉर सम अदर डे। ओके सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे पास चिकन नहीं है, और फिर मैंने ये भी सोचा कि सीख कबाब से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सीख कबाब ही डालूंगी। तो मैं अब उसको फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके नाउ इट्स टाइम टू बॉइल द पास्ता एज वेल, सो लेट्स पोर द पास्ता इन द वाटर। नाउ लेट्स एड सम सॉल्ट इन द बॉइलिंग पास्ता। ओके जी, तो जो है हमारे सीख कबाब हो गए हैं फ्राई, अब इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में, और इसको अब पीसेस में थोड़े काट लेंगे हम। इन दिस मीनवाइल लेट मी टेल यू दैट मेरे चैनल पे और भी रेसिपीज़ हैं पास्ता की, जो आपको ऊपर अभी शो हो जाएंगी कार्ड्स में, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने ट्राई की थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके सो पीसेस में कट हो गए हैं सीख कबाब्स, नाउ इट्स टाइम टू पुट ऑल द सॉसेज इन इट। सबसे पहले मैंने डाला ये रेड चिल्ली सॉस, देन वी आर पुटिंग सम सोया सॉस, पुट इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, and then we will be putting white pepper, and then we will mix it, और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ऐसे ही जब तक हमारा पास्ता भी रेडी नहीं हो जाता, ताकि ये जो सीख कबाब्स हैं इसमें जो है ये सॉस इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत सॉसी हो जाए।
ओके जी, सो फाइनली हमारा पास्ता हो गया है सही से बॉयल और रेडी है। तो अब इसमें सब कुछ हम अपने मिक्स कर लेंगे इंग्रेडिएंट्स, और इसको जो एक किस्म से मैरिनेट ही करके रखा था मैंने सीप कबाब को, ताकि इसको और इसमें टेस्ट आ जाए और ये सॉसी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें ये ऐड कर लिया है सारा सॉस के साथ, जो है सीक कबाब्स की पीसेज ऐड कर लिए हैं। साथ में वी विल ऑल्सो पुट हॉट पेपर, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए। तो इसमें कुछ पीसेस ऑफ हॉट पेपर मैंने डाल दिए हैं, एंड दीज आर एक्चुअली हैलेपिनोस, ऑफ कोर्स सबको ही पता होगा। और थोड़ा सा इसका मैंने पानी भी डाला है, बहुत ही मज़े का होता है जी खट्टा। एंड अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास बारबेक्यू सॉस भी है, तो मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ बारबेक्यू सॉस भी डाला है। एंड नाउ इट्स टाइम टू पुट दी चीज़ स्लाइसेस ऑन इट एंड टू मेक इट अ बिट चीज़ी। मैंने इसमें चीज़ स्लाइसेस ऐड करे हैं, और ऐसे मैं चेडर चीज़ डालती हूँ, बट वो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। सो फाइनली पास्ता हमारा रेडी है, एंड नाउ इट्स टाइम टू डिश इट आउट एंड ट्राई इट आउट। ऐसे तो आई थिंक अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है, सॉसी सा है, एंड जो मैंने सीख कबाब डाले हैं इससे थोड़ा सा देसी फ्लेवर आएगा, बट लेट्स सी, पहले ट्राई करते हैं उसके बाद बताते हैं। सो नाउ लेट्स डिश इट आउट। ओके जी, सो डिश आउट कर लिया और ट्राई भी कर लिया। अभी बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है, जो सीख कबाब के साथ पास्ता का फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा देसी टाइप आ रहा है, तो बहुत मज़े का लग रहा है, और सॉसी भी है अच्छा। तो दैट वॉज़ दी व्लॉग, एंड बिग डे का व्लॉग ऑफकोर्स ऐसे ही होता है, यू नो घर के काम होते हैं और क्या पकाना होता है। सो दैट वॉज़ माई रूटीन, एंड आई होप यू लाइक दी वीडियो, आई होप यू लाइक दी रेसिपी। आप भी मुझे बताइएगा व्हाट आर योर कमेंट्स अबाउट दिस रेसिपी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट, और डू रिंग दी बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स आ जाए। सो दैट्स इट, आई होप यू ऑल्सो हैड अ लवली डे, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट टाइम।